अगर आपका 3 साल का मेहनताना कोई ना दे तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी भुजाओं में बल है तो डांट डपट कर ले सकते हैं, परंतु यदि आप दिव्यांग हैं और ऊपर से महिला हैं, तो ऐसे में आप भला क्या कर सकती हैं? दफ्तर दर दफ्तर चक्कर काटने के सिवाय और विनती करने के सिवाय आप कर ही क्या कर सकती हैं? आपकी गुजारिशें सरकारी महकमों के कानों तक नहीं पहुँच पाती, तब आप क्या करेंगी? जहाँ एक तरफ सरकार दिव्यांगों के विकास की बातें करती है, वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से ज्योति नारायण, जिन्हें 3 साल से, जो कि दिव्यांग है, जिन्हें 3 साल से पगार नहीं मिली हुई है, आइए जानते हैं इन्हीं से उसी के बारे में। ज्योति जी, आपकी आपको 3 साल से सैलरी नहीं मिली, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैडम, मैं इसके बारे में बहुत कुछ मंत्री जी से मिली हूँ और अधिकारी के कार्यालय के, और से मैं हाँ आमरण उपोषण भी रखी हुई हूँ 2-3 साल से, लेकिन कोई हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और मंत्री जी से मिलने के बाद वो अधिकारियों से बात करते हैं कि जो इनकी जो मांग है वो पूरी कर दो और इनकी फाइल ले लो, जल्दी जल्दी कर दो, जो ही बोलते हैं। उधर जाने के बाद अधिकारी बोलते हैं उनका काम ही है और हमारा काम ही है, हम आपको नहीं दे सकते हैं जो सैलरी, इसी बात पर चर्चा चल रही है 3 साल से। आपको कोई कारण बताइए कि सैलरी क्यों नहीं मिलती? इसके पहले आपको मिलती थी? नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। उनका कारण एक ही है, मेरे पास पैसे नहीं है। और मेरे बाद में जो टीचर लिया गया है उनका अप्रूवल निकाला हुआ है, मतलब उनके पास जो भी है उनकी जो पूर्तता है वो हो जाती है, और मेरे पास, मेरी तरफ से उनकी कोई मांग पूरी नहीं होती है अधिकारियों की। ऐसा हुआ है महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की ज्योति नारायण के साथ, जो कई दिनों से मुंबई के आजाद मैदान में अपनी मेहनताना पाने के लिए उपोषण कर रही हैं, पर उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। ये थी हमारे साथ ज्योति नारायण, जो की 3 साल से अपनी सैलरी के लिए यहाँ से वहाँ दौड़े जा रही हैं, पर उनके साथ सरकार कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है। कैमरामैन आशीष द्विवेदी के साथ श्वेता भट्ट, नेशनल टाइम न्यूज़, मुंबई।